प्रिय छात्रों सहप्रेम नमस्ते। आप सभी ने छुट्टियों से पहले लखनवी अंदाज यशपाल का पढ़ा था। आज हम मानवीय करुणा के दिव्य चमक श्री सरस्वती दयाल सक्सेना के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। श्री सरस्वती दयाल सक्सेना का जीवन परिचय एवं उनके साहित्य की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। जीवन परिचय जीवन परिचय नई कविता के कवियों में श्री सरस्वती दयाल सक्सेना का नाम बड़ा उल्लेखनीय है। इनका जन्म 15 सितंबर 1927 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ। कहाँ पर हुआ? बस्ती जिले में हुआ। इन्होंने हाई स्कूल तक की शिक्षा बस्ती जिले में ही प्राप्त की। क्या बताया? इन्होंने हाई स्कूल तक की शिक्षा बस्ती जिले में ही प्राप्त की तथा बनारस के कविंस कॉलेज से इन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक की उपाधि कहाँ से प्राप्त की? बनारस के कविंस कॉलेज से इन्होंने स्नातक की। इसके बाद हिंदी विषय में एमए करने के लिए ये इलाहाबाद आए। कहाँ पर आए? इलाहाबाद आए। यहाँ इनका संपर्क श्री विजयदेव नारायण शाही किनसे? श्री विजयदेव नारायण शाही, धर्मवीर भारती एवं जगदीश गुप्त जैसे साहित्यकारों से हुआ। धर्मवीर भारती जगदीश गुप्त जैसे साहित्यकारों से हुआ। यहाँ आकर ये नवीन प्रतीकों एवं बिंबावली अलंकार युक्त पर छंदहीन शैली का मतलब है जो छंदों से युक्त शैली में कविताएं लिखने लगे। किसमें? छंदहीन शैली में कविताएं लिखने लगे। एमए इसके बाद क्या है? एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने स्कूल में अध्यापन का कार्य किया। कुछ समय के लिए आकाशवाणी में, ये यानी कि अध्यापन कार्य के साथ साथ कुछ समय के लिए आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर रहे। आकाशवाणी केंद्र जनसंचार विभाग में सहायक प्रोड्यूसर रहे। आगे चलकर ये अपनी विशिष्ट शैली के कारण आगे के तीसरे सप्तक, कौन सा सप्तक है? तीसरे सप्तक। मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि तार सप्तक की रचना आगे ने 1943 में की थी। आगे के तीसरे सप्तक में चुन लिए गए। 1965 में दीनमान के उप संपादक बने। दीनमान क्या है पत्रिका। 1965 में दीनमान के उप संपादक बने। बाद में ये बाल पत्रिका, कौन सी पत्रिका? बाल पत्रिका प्राग के संपादक रहे। पच्चीस सितंबर 1983 को इनका अचानक इनका निधन हो गया। रचनाएं सरस्वती दयाल सक्सेना जी कवि के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं। किसके रूप में? कवि के रूप में, यानी कि लेखक के रूप में न होकर कवि के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं। हालांकि इन्होंने अपनी लेखनी का मतलब है कलम के माध्यम से
हिंदी गद्य साहित्य की, कौन सी साहित्य की, गद्य साहित्य जिसमें कहानी नाटक उपन्यास निबंध आदि होते हैं, तो उसको हिंदी गद्य साहित्य की भी श्री वृद्धि की, इसको आगे बढ़ावा किया। इनकी कलम से निकली रचनाओं के नाम इस प्रकार से हैं, कौन कौन सी हैं, काव्य संग्रह काठ की घंटियाँ, पहली रचना कौन सी है, काठ की घंटियाँ, दूसरी है बांस का पुल, तीसरी है हमारी एक सुनी नाव, कौन सी है, एक सुनी नाव, चौथी हमारी गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, कुआनो नदी, खूटियों पर टंगे लोग, कौन सी अगली, खूटियों पर टंगे लोग। अगला है हमारा उपन्यास उड़े हुए रंग, कौन सा है, उड़े हुए रंग, पागल कुत्तों का मसीहा, कौन सा है, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल।